नमस्ते, हम लोग बात करेंगे कि IBPS क्लर्क प्री एग्जाम के अंदर 60 प्लस मार्क्स कैसे लाए जाएं। इसके बारे में हम पूरी एक स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट, हमारी न्यूज पोर्टल साइट न्यूज की दुनिया .com को विजिट करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इन 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इस बार मैंने सिलेबस के अंदर थोड़ा सा चेंज किया, सिलेबस में कैसे मैं आपको बताऊंगा, इसमें थोड़ा चेंज किया है। मैं कुछ एग्जांपल्स और बताऊंगा ताकि आपको एक लेवल का पता चले कि कलर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। आप फालतू में ही ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि लेवल वही रहेगा, आपको उसी लेवल के अंदर ज़्यादा ज़्यादा स्कोर करना है। तो आप एक स्मार्ट वे में कैसे तैयारी के लिए, इसलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स और दूंगा आपको सिलेबस के साथ। इसके बाद में प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, स्टेट वाइज पूरी कट ऑफ की डिटेल में दूंगा आपको, उसके बारे में कैसे आपको तैयारी करनी है। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरिट जा रही है आजकल प्री की। जैसे कि आप IBPS PO प्री देख लीजिए, उसमें 47.50 मेरिट गई है। तो एक एग्ज़ाम के अंदर आपका टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएँ। तो उस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद में की पॉइंट्स बताऊँगा आपको एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि हमने एक फेसबुक पे पेज बनाया है आप लोगों से कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फेसबुक पेज का, आप उसको लाइक कर लीजिए, जिससे सारी अपडेट्स आपको फेसबुक पर ही मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। वही एग्ज़ाम का पैटर्न, सबने आज तक बहुत बार ऐसी एग्ज़ाम्स दी होंगी। प्री में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। 30 क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे, बाकी दो सेक्शन जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी आता है, उसके अंदर 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और ये सिर्फ जो प्री एग्ज़ाम होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, इसके मार्क्स मेंस में काउंट नहीं किए जाएंगे। और इसमें बात करना चाहूँगा, इसमें इंडिविजुअल मेरिट्स भी जाएगी, यानी कि इंग्लिश की एक इंडिविजुअल मेरिट होगी, उसको भी क्रॉस करना होगा आपको। एप्टीट्यूड की एक इंडिविजुअल मेरिट होगी, उसको भी क्रॉस करना होगा। ऐसे ही रीजनिंग की भी एक इंडिविजुअल मेरिट होगी। इसके अलावा एक ओवरऑल कंबाइंड मिला के एक अलग से मेरिट निकलेगी, उसको भी आपको क्वालिफाई करना होगा। इसलिए सेक्शन वाइज भी कट ऑफ होती है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम। सबसे पहले रीजनिंग के सिलेबस की बात करूंगा, और मैं सिलेबस की बात करते टाइम मैं आपको मैक्सिमम वो चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम स्कोर कम टाइम में कहां कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने पूरा मैंने सिलेबस रख दिया है रीजनिंग का कलर के लिए। इसमें कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान आते हैं, आप लोग आराम से विद इन 1 मिनट कर लेंगे कलर के क्वेश्चन, विद इन 1 मिनट। इसकी मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाकर डाली है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो हमारे चैनल को विजिट करके कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत कम टाइम लगेगा इसके 5 क्वेश्चन करने में। विद इन 1 मिनट और 2 मिनट आप ये 5 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। इसके बाद में सर्कुलर लीनियर अरेंजमेंट का एक एक सेट आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर क्या होता है, दोनों ही क्वेश्चन आसान आते हैं, जिनकी थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस होगी दोनों क्वेश्चन आराम से 5 मिनट में दोनों क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो एटलीस्ट एक पूरा का पूरा सेट आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। सिलोलिज्म पजल मैंने 0-0 इसलिए दिखाया क्योंकि पिछली बार नहीं आया है, उसे पिछली बार भी नहीं आया है, लेकिन हो सकता है इस बार आ जाए। इसलिए आप प्रिपेयर रहिए किसी भी कंडीशन के लिए, क्योंकि दोनों टॉपिक, पजल आप एक बार छोड़ भी सकते हैं लेकिन सिलोलिज्म आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी वीडियोज़ मैंने लाइव कर दिए हैं, 2 पार्ट्स मैंने इसके बना दिए हैं, आप उनको देख के सिलोलिज्म का कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद में अपना एक बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक आता है इनइक्वालिटीज़, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, इसके भी वीडियो बना दी गई है, बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है इंटरनेट पर वो वीडियो, अभी हम 2 नंबर पे चल रहे हैं उस वीडियो के अंदर। तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आप 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन कर देंगे उस वीडियो को देखने के बाद में। इसी तरह ब्लड रिलेशन में आप 2 मार्क्स कर सकते हैं। इसमें एक नंबर सीरीज रीजनिंग में भी आ रहा है और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आ रहा है। तो नंबर सीरीज रीजनिंग में रीजनिंग के हिसाब से आ रहा है, मैं एग्जाम्पल देकर बताऊँगा आपको। अल्फाबेटिक सीरीज भी एक आ रही है इसके अंदर, 5 क्वेश्चन का एक सेट आ रहा है। दोस्तों, इसके अंदर क्लर्क में रीजनिंग का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आसान आएगा क्योंकि ये सेक्शन, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना है। जिन क्वेश्चन में मैंने स्कोर मार्क नहीं दिखाए, जैसे ऑर्डर, रैंकिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इनमें भी आसान ही आएगा क्वेश्चन। लेकिन एक बार मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था, कम से कम आप जो मैंने रेड मार्क में कर रखे हैं इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए, ताकि आप लोग कम से कम 27 आउट ऑफ 40 35 आराम से स्कोर कर पाएंगे इसके अंदर।
अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ दोस्तों। 27 मार्क्स आपको ज़्यादा लग रहे होंगे कि सर ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन जब मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, आप क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे लास्ट टाइम का, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में आप कर पाएंगे इतने क्वेश्चंस और कम टाइम में कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सिंपल तीन तीन वर्ड ही दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों, और बाद में एक एक वर्ड का आराम से इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग पूछी है। ये एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। जिन लोगों को समझना है वो मेरी वीडियो देख लीजिएगा कोडिंग डिकोडिंग के। ऐसे ही मैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखो दोस्तों, तीन तीन चार चार लाइन के सीटिंग अरेंजमेंट है दोनों क्वेश्चन, इनके ऊपर पाँच पाँच क्वेश्चन बेस्ड, पाँच पाँच क्वेश्चन आए थे। चाहे आप सर्कुलर अरेंजमेंट देख लो, चाहे आप स्ट्रेट लाइन वाला अरेंजमेंट देख लो, तीन तीन चार चार लाइन के अंदर बहुत ही सिंपल वे में बातें बोली गई हैं। आराम से दो दो मिनट के अंदर ये पूरे सीटिंग अरेंजमेंट हो सकते हैं। इसके बारे में भी हम जल्दी ही वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग इन सिटिंग अरेंजमेंट और से डरिए मत क्लर्क में, क्योंकि पीओ में एक अलग लेवल का सिटिंग अरेंजमेंट आता है, और क्लर्क में बहुत ही आसान सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है क्लर्क के लिए सिटिंग अरेंजमेंट। दोनों क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, बहुत आसान है, एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन हैं ये, आराम से बहुत आसानी से हो सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इनइक्वलिटीज में पीओ में क्या होता है, दो दो तीन तीन स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार कोडेड भी आ जाती है। इसमें जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ बहुत सिंपल, एक स्टेटमेंट फिर दो कंक्लूजन, एकदम से सिंपल सीरीज आती है, ठीक है दोस्तों। इनइक्वलिटीज में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा लेवल हार्ड नहीं करता, लेकिन आपका वो टेस्ट करना चाहता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कौन कर पाता है, वो चीज़ टेस्ट करना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट, उसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो में आगे। इसके बाद में नंबर सीरीज का एक ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन आया था, आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये भी आसान है थोड़ा सा, आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे ऐसे 5-10 क्वेश्चन की, तो इन क्वेश्चन को भी आराम से हैंडल करने लग जाएंगे आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो ये एक पैटर्न का 5 क्वेश्चन ये आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये एक दो पैटर्न का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर कुछ नंबर्स, कुछ सिम्बल्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं, जिसके बाद में उनके बारे में कुछ आपको कुछ ऑर्डर रैंकिंग के बारे में समझाएगा, या फिर कुछ वोवेल्स कॉन्सोनेंट इनके बारे में कुछ आगे पीछे करेगा, उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन के अंदर एक पजल टाइप कुछ छोटा सा क्वेश्चन बना के देगा। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप 30 सेकेंड में ही एक क्वेश्चन इसका आराम से कर लेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो। इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, एग्जाम से पहले भी 15 दिन बचे हुए हैं, आप आराम से ऐसे टाइप्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स निकालें, लेवल बहुत आसान आता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस रहेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे। सिलेबस में सबसे पहले मैं आपको सामने बता रहा हूँ, डीआई के 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। डीआई के 5 क्वेश्चन अगर आप पीओ लेवल पे जाएंगे और क्लर्क लेवल पे आएंगे तो बहुत ही आसान आती है। टेबुलर फॉर्म की ही डीआई आएगी, ऐसे एक टेबल बनी हुई आएगी आपकी, उसके अंदर बहुत सारा डाटा दिया होगा, जैसे यहाँ ए बी सी डी, ए का 55 किसी भी चीज़ का डाटा दिया हुआ है, इसका 65 दिया हुआ है, तो वो सिर्फ यहाँ पे ये पूछेगा कि ए बी से कितना कम है, बी ए से कितना ज़्यादा है, इन दोनों का एवरेज कितना है। बहुत ही सिंपल लेवल की डीआई आती है, ज़्यादा कुछ झमेलेबाजी आती नहीं है इसके अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है, फिर भी आपको मैं बोलूँगा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आएगा तो एक 5 क्वेश्चन का सेट आएगा, इसलिए आप 5 क्वेश्चन लॉस करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इसको भी पढ़ लीजिए। इसके भी वीडियोस मैंने डाल दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि आप 2 से 3 मिनट में 5 क्वेश्चन कर पाएँ, वो भी आप देख लीजिएगा एक बार। डीआई के बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, सीरीज़ के भी बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली आप लोगों ने देखे हैं। सिंप्लीफिकेशन के दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आएंगे, आप 10 के 10 भी कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, अंडरूट 144 प्लस अंडरूट 625 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 5। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे सीधा सीधा, आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, 12 प्लस 25 गुणा 5, ये इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे सिंप्लीफिकेशन आएंगे, मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको क्वेश्चन के दे दिए हैं। सीरीज़ की अगर हम बात करेंगे तो या तो स्क्वायर ऐड करेगा, माइनस करेगा, या फिर कुछ डिफरेंस सेम होगा, लेकिन जो पीओ लेवल में सीरीज देखते हैं आप, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेवल की आती हैं, यहाँ पे बहुत सही लेवल रहेगा, आप लोग आराम से कर पाएंगे। इसके बाद में मैं टॉपिक्स के आपको नाम दे रहा हूँ, यहाँ से एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ज्योमेट्री ज्योमेट्री के अंदर वो
ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इनसे बाहर नहीं जाएगा वो क्लर्क एग्जाम के अंदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल 2 साल का इंटरेस्ट दे देगा, फिर आपसे पूछेगा। तो बहुत सही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको स्पीड पे काम करना है, आपको स्पीड पे ज़्यादा काम करना है कि जल्दी जल्दी कैसे सोल्व हो क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो 5 क्वेश्चंस ये बाकी टॉपिक से, इसमें से आप आराम से स्कोर कर पाएंगे क्योंकि पेपर लेवल थोड़ा डाउन ही आएगा। ठीक है, और 17 क्वेश्चन जो DI सीरीज और सिंप्लीफिकेशन में से मिला के आप लोग स्कोर कर सकते हैं, टोटल स्कोर जो एप्टीट्यूड में आप 22 का कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर दोस्तों रीडिंग कंपैरिजन का 10 क्वेश्चंस आते हैं, पिछली बार स्टोरी बेस आया था। ठीक है दोस्तों, स्टोरी बेस रीडिंग कंपैरिजन बहुत आसान होता है, आराम से 7 नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। एरर रिपोर्टिंग, दोस्तों मैंने यहाँ पे रेड मार्कर कुछ नहीं लिखा है, एरर रिपोर्टिंग में टेंस का एक दो एरर आ जाएगा, एक दो एरर वर्ब का आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत ही सिंपल टाइप के एरर चाहिए। क्लोज टेस्ट भी स्टोरी बेस आया था, पैराजम्बल भी एक एक लाइन के एक एक लाइन के 5 सेंटेंस आए थे, उन्हें सेट करना था, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखे, इससे ज़्यादा भी आपको हो सकता है, पूरा पैराजम्बल ही आपसे सेंटेंस सेट हो जाए। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी बहुत आसान आ रहे हैं। तो दोस्तों पिछली साल के 1-2 साल के पेपर कंसल्ट कर लेना, आपको लेवल का पता चल जाएगा, लेवल का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टोरी बेस्ड रीजनिंग कंपेरिजन आता है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एरर स्पॉटिंग, टेंस, वर्ब और आपके आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, इस टाइप के सिंपल एरर स्पॉटिंग ही आएंगे। तो ऐसे करके अगर अपन बहुत कम स्कोर भी मान के चलेंगे, कहीं कहीं गलतियाँ होती हैं, तो भी 14 नंबर का स्कोर आप इंग्लिश में आराम से कर सकते हैं। टोटल अपन देखें तो 60+63 के आसपास आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सब्जेक्ट की बात हो गई। इसके बाद में कट ऑफ की बात करते हैं पिछले साल के हिसाब से। तो आपकी स्क्रीन पे स्टेट वाइज कट ऑफ आपको दिख रही होगी, अपना स्टेट इसमें देख लीजिए और उसी हिसाब से तैयारी करना चालू कर दीजिए। अगर मैं बात करता हूँ 2016 की, ठीक है, तो +5 to 10 इस मेरिट के अंदर ऐड कर देना, इतनी मेरिट जाने वाली है 2016 के। ठीक है दोस्तों, ये जो मेरिट यहाँ पे दिखाई दे रही है अपने स्टेट की, जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया है, उसमें +5 to 10 मार्क्स हो सकता है, तो आपको सेफ चलना है। 60 क्वेश्चन से प्लस तो आपको लेके ही चलना है। ठीक है दोस्तों, जो नीचे के स्टेट हैं, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पे 40-45 के आसपास मेरिट जाएगी। बाकी राजस्थान जैसे स्टेट, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट, यहाँ पे 60+ मेरिट जा सकती है। तो वहाँ से जिन्होंने फॉर्म भरा है वो अच्छे से तैयारी करें, ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, ज़्यादा प्रिपरेशन करें। मेन बात दोस्तों कहाँ पे आती है कि कलर का पेपर तो देखो आसान आने वाला है, टॉपिक्स लगभग सबको आते होंगे, लेकिन एग्जाम में बोलते हैं सर आ तो 80 में से 100 में से क्वेश्चन तो मेरे को 90 आ रहे थे, लेकिन मैं कर 40 ही पाया, मैं 50 ही पाया, तो आप कैसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, उस बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एग्जाम के अंदर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये 7 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, आपको घर से ही डिसाइड करके जाना है कि मेरा कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, जिसके अंदर मैं सबसे कम टाइम के अंदर क्वेश्चन कर पाऊंगा। जैसे किसी का इनइक्वलिटीज बहुत अच्छा है कि मैं इनइक्वलिटीज के 5 क्वेश्चन तो 1 मिनट के अंदर ही कर दूंगा, तो सबसे पहले इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन उठा लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप डिसाइड करके जाइए कि रीजनिंग में मैं पहले ये करूँगा, ये वाले टॉपिक्स स्किप कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पहले से करके जाइए कि आप कौन से क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पहले उनको अटेम्प्ट कीजिए और जल्दी जल्दी कीजिए, ताकि बाद में जो टाइम बचेगा उस हिसाब से आप डिसाइड कर पाए कि अब क्या करना है, क्योंकि जो जिस टॉपिक में स्ट्रॉन्ग है वो तो करना ही करना है एग्जाम के अंदर। दूसरा पॉइंट, आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो आपने पहले कभी नहीं देखा है, या फिर जिसको देख के आपको लगा कि यार मैं क्या पता कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, चलो ट्राई तो कर लेते हैं, ऐसा डिसीजन नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपको पता हो कि इस क्वेश्चन को या तो मैं कर लूँगा, या फिर मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है, तभी आप उस क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट करें, वरना उस क्वेश्चन को एक बार स्किप कर दें, लास्ट में टाइम बचे तो फिर से उसको देख लें। लेकिन एक बार आप उलझ गए, 2 मिनट खराब कर दिए, आंसर नहीं आया, तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है वो। 2 मिनट का मतलब 4 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों कलर के एग्जाम के अंदर, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑन एन एवरेज 1 मिनट एक क्वेश्चन को दे सकते हैं आप, और जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है जैसे इनइक्वलिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
और ब्लड रिलेशन, इन टॉपिक्स को आप 30-30 सेकंड में करने की कोशिश करें क्वेश्चंस को। जैसे इनइक्वलिटीज का क्वेश्चन तो मैं बोलता हूँ आप कलर लेवल का क्वेश्चन 10 सेकंड में कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए थे ना जो इनइक्वलिटीज के आपको पीछे रीजनिंग के अंदर, वैसे क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड कर सकते हैं। अगर कोई लोग ऐसा मेथड नहीं जानते हैं कि 10 सेकंड 20 सेकंड में कैसे करें इनइक्वलिटीज को, कोडिंग डिकोडिंग को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और सीरियलिज्म का, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो लोग वीडियोस देख लें, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं इसलिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियोज़ में हमेशा टाइम की बात करता हूँ, कैसे कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। दूसरी बात, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको आते तो हैं लेकिन आपको पता है कि यार ये टॉपिक मुझे आता है लेकिन मेरे इसके अंदर टाइम ज़्यादा लग जाता है, मेरे को मैं इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर देता हूँ, फिर मेरे को और क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिल पाता। ऐसे टॉपिक्स को एक बार स्किप कर दीजिए, ठीक है? अगर टाइम बचे, अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं बाकी क्वेश्चन तो उसको फिर ट्राई करिए, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको आता तो है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले जाएगा ये, तो उसको एक बार छोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है? या फिर उसको बाद में करने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम को देने से पहले सभी स्टूडेंटों को टेस्ट सीरीज देना चाहिए, सीरियसली टेस्ट सीरीज देना चाहिए, ताकि उन्हें पता चल पाए कि आप कितने क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करने लायक हो, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा टाइम आपको आ रहा है लेकिन कौन सा टॉपिक ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। उन टॉपिक्स को फाइंड करो, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढो, जल्दी जल्दी उनको करने की कोशिश करो। तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों? आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, जिसको आप मिनिमम पीरियड के अंदर करते हैं, उसको पता कीजिए और सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, और जिन टॉपिक्स में आप और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आते तो हैं लेकिन कम टाइम में करने के लिए क्या करना है, इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर सकते तो उनको करने की कोशिश कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि 3 पार्ट्स हैं, चलो 20-20-20 मिनट में तीनों को दे दूंगा। रीजनिंग और एप्टीट्यूड के अंदर ज़्यादा टाइम लगता है, इंग्लिश को आप कम टाइम दीजिए। अगर मैं मेरे हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करने की बात करूँ तो मैं 60 मिनट का पेपर होता है, अपने 3 सेक्शन होते हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, ठीक है दोस्तों? जिसका मैथ्स को 20 से 25 मिनट दे सकते हैं, इसको 20 से 25 मिनट दे सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे फिर इसको 10 से 15 मिनट ऐसे करके आप तीनों सेक्शन का टाइम डिवाइड कर सकते हैं। बाकी आप लोग टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको अपना अपना एक वो पता चल जाएगा कि मेरी कैपेसिटी कौन सी सेक्शन में ज़्यादा है, तो मेरे को कौन सा पहले करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, तो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको तैयारी करनी है ये पॉइंट्स मैं हर बार हर किसी एग्ज़ाम के अंदर बताता हूँ। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपकी कि कैसे तैयारी करनी है, किन किन टॉपिक्स में स्ट्रॉन्गेस्ट, अपडेट रखना है अपने को कि कोई पैटर्न चेंज तो नहीं हो रहा, कोई नए टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आ रहे। टॉपिक वाइज स्टडी पहले कंप्लीट करनी है, उसके बाद में कंबाइंड में प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को करना है। टाइम मैनेजमेंट की बात अपन ने कर ली। मॉक टेस्ट के साथ आपको ट्रायल करना है, टेस्ट सीरीज आपको हमेशा देनी है, डेली देनी है, ताकि आपको स्पीड आपको पता चलता रहे। टाइम टू टाइम रिविजन करता रहना है, और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप तैयारी करते रहिए। जरूर जब आप एक लेवल पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, वहाँ पे जरूर आपको सक्सेस मिलेगी, और हमारे इन पॉइंट्स को फॉलो करते रहिए। एक लास्ट में पॉइंट हमेशा बताता हूँ, प्रॉपर डाइट एंड टेंशन फ्री। अगर प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तो हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, और हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे तो फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, और टेंशन लेंगे तो टेंशन किसी भी चीज़ का इलाज नहीं होता है, कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, मार्क्स नहीं आ रहे, टेंशन लोगे तो जो है वो भी खो दोगे, इसलिए टेंशन फ्री रहो, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। बस की पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ कुछ आपको। मॉक टेस्ट हमेशा अपने ही तरीके से आपको, एक अलग तरीके से आपको हेल्प करते हैं। आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको एक अपनी कैपेसिटीज पता चलेंगी, एक वीकनेस पता चलेंगी, तो उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। एक बार मॉक टेस्ट में गलती की वो दोबारा मत दोहराइए। मॉक टेस्ट में एक बार गलती करना आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मॉक टेस्ट में गलती होगी कोई बात नहीं, लेकिन मेन एग्जाम में अगर गलती होगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मॉक टेस्ट बार बार दीजिए, सीरियसली दीजिए, उनको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मत दीजिए कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, बड़ी सीरियसली मेन एग्जाम की तरह उनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है जहाँ पे थंब आपको दिख रहा होगा एक। बाकी आप लोग हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, अगर कोई दिक्कत और आ रही है, जिन टॉपिक्स के आपको और वीडियो चाहिए उनके लिए कमेंट कीजिए, हम जरूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।